सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ फंक्शंस बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग इंटरनेट वगैरह यूज़ करते होंगे तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे और आप ये चाहते हैं कि वो छोटे बच्चे कुछ अनवांटेड साइट्स को सर्च ना करें। आप ये चाहते हैं कि उन साइट्स को आप ब्लॉक कर दें ताकि आपके घर के बच्चे या घर में कोई अदर पर्सन उस साइट्स को सर्च ना कर पाए आपके इंटरनेट पे, आपके ब्राउजर पे, आपके कंप्यूटर पे। तो उसका क्या तरीका है मैं आप लोगों को इसके बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा और इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिएगा लास्ट तक, तभी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई सवाल होता है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूँ। भाई दोस्तों छोटे से इंट्रो के बाद में वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई दोस्तों हम लोग वेबसाइट को ब्लॉक करना सीखते हैं। वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए एक एक्सटेंशन आपको गूगल क्रोम में डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एक्सटेंशन के लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और उसको एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं उसको एंटर करूँगा मेरे सामने में उस एक्सटेंशन की पूरी डिटेल आ जाएगी, जिस एक्सटेंशन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक साइट, इसको आप क्या करेंगे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके इसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए और इसको आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे नीचे आपके सामने में ये डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद में ये ऑटोमेटिक आपके एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं wifs.com क्रिएट पॉपुलर, ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, चूँकि ये ऑलरेडी जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ से, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लॉक साइट का एक ऑप्शन बन के आ गया। यहाँ पे जो है जब आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। आपको जाना है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाने के बाद में आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उस वेबसाइट को जिस वेबसाइट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। अब जैसे मैं फेसबुक को ब्लॉक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ facebook.com। facebook.com लिखने के बाद में हम क्या करेंगे इसको ऐड पेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में अब हम यहाँ पे facebook.com खोल के एक बार देखेंगे। जैसे ही हम facebook.com खोलेंगे ये मैसेज एक डिस्प्ले कर रहा है, द facebook.com इज ब्लॉक्ड बाय ब्लॉक साइट। और यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि ये बार बार जैसे जैसे आप जितनी बार में आप लॉगिन करना चाहते हैं फेसबुक को उतनी बार आपके सामने में मैसेज को डिस्प्ले करेगा, ऑल राइट सो यू हैव ट्राइड इन फर्स्ट टाइम बट डोंट ट्राई इट अगेन। जब आप दोबारा से इसको ट्राई करेंगे तो देखिए फिर दोबारा से मैसेज देगा, लिख रहा है कि यू हैव ऑलरेडी ट्राइड टू टाइम्स, आई नो डैट यू विल ट्राई दिस बट प्लीज़ स्टॉप नाउ। अब मैं इसको तीसरी बार में कर रहा हूँ, ये देखिए यू हैव ऑलरेडी ट्राइड थ्री टाइम्स, कम ऑन स्टॉप डूइंग दिस, यानी कि आप इसको स्टॉप कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए, ऑलरेडी आपने थ्री टाइम्स इसको लॉगिन कर लिया है, ये ब्लॉक्ड है और ये नहीं खुलने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग उसको यहाँ पे क्लिक करके उसको अनलॉक भी कर लेते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे एक पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पासवर्ड आप सेट कर लीजिए, कम से कम 5 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आप क्या करेंगे सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। अभी लिख रहा है पासवर्ड हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली। ठीक है, एक बार आप इसको बंद कर दीजिए। अब हम दोबारा से फेसबुक को खोल रहे हैं, ये लिख रहा है द facebook.com इज ब्लॉक्ड बाय ब्लॉक साइट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जाते हैं और हम ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में जैसे ही गए यहाँ पे देखिए आपसे पासवर्ड मांग रहा है, एंटर योर पासवर्ड। ये पासवर्ड आप तभी डाल पाएंगे जब आपको पासवर्ड पता होगा, ये पासवर्ड प्रोटेक्शन है, बिना पासवर्ड जाने आप इसको
अनलॉक नहीं कर सकते, अनब्लॉक नहीं कर सकते, आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ये। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स को, वेबसाइट्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं और उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हैं ताकि कोई थर्ड पर्सन आपके कंप्यूटर को लॉगिन ना कर सके, उसमें किसी प्रकार की कोई अनवांटेड वेबसाइट्स को सर्च ना कर सके। और ये ज़्यादातर हम लोग बच्चों वगैरह के लिए, पेरेंट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं गलत तरीके से वेबसाइट्स को, इंटरनेट को यूज़ ना करें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब कभी भी हम नई वीडियोज़ को यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा, कन्फर्मेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में एक बार फिर से मैं आपके सामने में हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।